हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पुदीने और नींबू का बहुत ही ठंडा ठंडा शरबत। तो चलिए चलते हैं अपने गार्डन में और लेके आते हैं पुदीना। उससे पहले देखते हैं अपना ये लोटस जो आज ही सुबह सुबह खिला है, बहुत ही प्यारा है। गर्मियों में इस तरीके के सुंदर फूल और ठंडी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो चलिए, एक प्लांटर में मैंने जिसमें पुदीना लगा रखा है, इससे हम ले लेते हैं पुदीने की कुछ पत्तियाँ। ये पुदीना घर पे ग्रो करना बहुत ही ईजी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लगाना चाहें तो इस तरीके का फ्रेश पुदीना आप अपने गार्डन से ही लेकर के लगा सकते हैं। इसमें हम बनाने वाले हैं पुदीने और नींबू का शरबत, जिसके लिए मैंने इस तरीके का पुदीना ले लिया है, जिसके ऊपर की पत्तियाँ थोड़ी सॉफ्ट हैं, जिसके डंठल मैंने रहने दिए हैं। ये देखिए, इसे धुल के अच्छे से सुखा लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया एक ब्लेंडिंग जार। ये पुदीना लगभग आप मेजर करें तो 1 कप पुदीना होगा। इस जार में मैंने पहले कुछ आइस क्यूब्स डाली, क्योंकि इसे ठंडा करना है हमें। अब ये 1 कप पुदीना इसमें डाल दिया। पुदीने और नींबू दोनों की तासीर बहुत ही ठंडी होती है, तो गर्मियों में ये शरबत हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुगर, या आप शुगर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे थोड़ा मीठा करने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी का यूज़ किया है और 1 नींबू डाल दिया है। ये देखिए, नींबू भी गर्मियों में बहुत ही अच्छा होता है। आप पुदीने का साथ या केवल नींबू का भी शरबत बना करके पिए, वो भी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम इसको पीसना है, तो इसलिए इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, जिससे ये आसानी से पिस जाएगा। ये मैंने इसमें 1/2 कप पानी का यूज़ कर रहा है। आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बाद में और भी पानी मिलाने वाले हैं। अब इसे बंद करके हमें पीस लेना है। ये शरबत बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पत्तियाँ होती हैं, इसलिए इसे ज़्यादा देर पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, पीस के तैयार हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे हम। तो चलिए देखते हैं ये कैसा पिसा है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का पीस के तैयार होगा। अब इसे एक बड़ी छन्नी की हेल्प से हम इसे छान लेंगे। आप चाहें तो इसे बिना छाने भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी पत्ती या कुछ रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से निकल जाता है, कुछ रह नहीं जाता ज़्यादा। कोई रेशा छोटा मोटा भी रह गया हो तो वो इसमें निकल जाएगा। अब इसमें हम और पानी मिलाएंगे, तो मैंने इसमें 1 ग्लास वाटर और मिलाया है, और इसके स्वाद को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा। मैंने 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है इसमें, और इसमें डालेंगे काला नमक। 2 छोटी चम्मच काला नमक का यूज़ किया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। बस अब इसे एक बार अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। ये हमारा मिंट का शरबत बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा है, इसमें से मिंट की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसे करते हैं सर्व। मैंने डाला कुछ आइस क्यूब्स, और ऊपर से डालेंगे ये अपना मिंट का शरबत। आप चाहें तो बिना आइस क्यूब के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पहले भी आइस डाली थी, वो भी ठंडा है। तो ये गर्मियों का हमारा ठंडा ठंडा मिंट और लेमन का शरबत बनके तैयार हो गया है। शरबत का ग्लास तो पूरा भरा ही अच्छा लगता है। तो चलिए, इसे मैंने पूरा भर दिया है। करते हैं इसका थोड़ा सा डेकोरेशन। इसके डेकोरेशन के लिए मैंने 1 लेमन स्लाइस ली है पतली सी, इसे लगा दिया ग्लास में, और कुछ मिंट लीव्स लगा दी, जिससे ये दिखने में बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है और पीने में इससे भी ज़्यादा अच्छा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इसे करिएगा लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।